संगरूर दे प्रेम बस्ती रोड विखे एक मंदबुद्धि व्यक्ति लावारस हालत विच घूम रहा सी, जिसके कपड़े फटे हुए सन अते शरीरिक हालात भी खराब सी। डेरा सच्चा सौदा दे सेवादारा नूं जदों पता लगा तां उसकी सार संभाल कीती गई। पुछगिछ करन ते पता लग्या कि यह नौजवान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का रहण वाला है अते अपने घर तो 2.5 साल तो लापता है। इस संबंधी होर जानकारी दिंदिया डेरा सच्चा सौदा संगरूर दे श्रद्धालु रिटायर्ड इंस्पैक्टर जगराज सिंह ने दस्सिया कि सानू इस मंदबुद्धि नौजवान बारे पता लग्या तां उसनू अपने घर लिया के सब तो पहला नवाया गया अते कपड़े बदले गए। उस तो बाद उसनू भोजन खिलाया गया अते उसकी चंगी तरह सार संभाल की गई, जिस तो बाद मानसिक तौर ते कमजोर व्यक्ति ने अपना नाम तोता राम दस्सिया अते अपने परिवारक मैंबरां दा संपर्क नंबर भी दिता है। उस नंबर ते संपर्क किया गया तो पता लग्या कि नौजवान जिसकी उम्र करीब 37 साल है अते परिवार तो करीब 2.5 साल तो विछड़िया होया है अते पता लग्या कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिला तो मीरगंज कस्बा दा रहण वाला है। सेवादारा ने परिवारक मैंबरां नूं फोन करके दस्सिया कि तुहाडा रिश्तेदार तोता राम साडे कोल है अते सही तंदरुस्ती हालात विच है, तुसीं उसनूं ले जा सकदे हो। सेवादारा ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल राहीं तोता राम दे परिवारक मैंबरां नाल गल्लबात करवाई। इस उपरंत सेवादारा दा परिवारक मैंबरां नाल संपर्क होण तों बाद परिवारक मैंबरां दा खुशी दा कोई ठिकाना नहीं रहा। तोता राम दे पिता दविंदर सिंह अपने पुत्र नूं लैण लई संगरूर दे नाम चर्चा घर विखे पहुंचे अते अपने पुत्र नूं देख के बहुत ही खुश होए। श्रद्धालु जगराज सिंह ने दस्सिया कि अज कागजी कारवाई पूरी होने तो बाद तोता राम नूं उस दे पिता दे हवाले कर दिता है। बरेली लई ट्रेन विच बिठा के बकायदा रवाना किया गया, जिन्हां दा खर्चा भी डेरा सच्चा सौदा दे श्रद्धालुआं ने अपनी जेब चों कीता है। गुमशुदा लड़के इसका नाम तोता राम है जी, ये बरेली यूपी का रहने वाला है। ये हमें 10 तारीख को 10 मार्च को जो डीसी रोड है संगरूर उस पे मिला था। बहुत ही बुरी हालत थी इसकी, इसको मैं संभाला था। पहले इसे खवाया पियाया, फिर नवाया धुमाया, फिर इसको दूध वगैरह पिया के फिर इसको पूछताछ की। इन्हें पूछगिछ से दस्या सी मतलब भी अपना इहदा एड्रैस वगैरह केड़ा हैगा, फिर इन्हों परिवार के नाल असी संपर्क किया। जब असी इसको एक पेपर पे एड्रेस वगैरह लिख रहे थे तो वैसे ही इसको कहा हमने भी आपके घर का कोई फ़ोन नंबर याद है तो लिखो, तो इसने अपनी भतीजी का एक नंबर दिया था। फिर उस पर हमने बात की तो नंबर सही निकला था। फिर इनके परिवार के साथ इसकी बात कराई तो मतलब इनका संपर्क मतलब ऐसे बन गया था। फिर इसके फादर साहब वहाँ से चले और इनके साथ फोन पे भी बात हुई थी। पास मेहमानदारियों में जहाँ था मतलब वो जहाँ जितना कुछ इसका आता जाता था वहाँ सब जगह हमें इसके लिए कटोरी ढूंढ खोज की, खोज भी अच्छी तरह से करी, लेकिन कहीं कोई किसी का तरह से हमें पता इसका नहीं मिल पाया। तब फिर उसके बाद में परमात्मा के ऊपर ही हमने सौंप दिया, भैया परमात्मा जी जहाँ जैसे आप उसे हमें आप मिला दो, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। इस तरह से हमने प्रार्थना परमात्मा करी, फिर हमें ये दरकार जो है हमें इस तरह से यहाँ पर डेरे पर हमें मतलब वह प्राप्त हुआ है। तुहाडी जानकारी लई दस दईए कि समुचे देश भर विच डेरा सच्चा सौदा दे श्रद्धालु सड़क ते घूम रहे मंदबुद्धि जीवां दी सार संभाल करदे हन, बल्कि उन्हां दी देखरेख सही ढंग नाल करके उन्हां दा इलाज करवा के उन्हां दे अपने तक भी पहुंचाउंदे हन। साडे दर्शक इस पूरे मामले नूं किस नजरिए नाल देखदे हन, अपनी राय कमेंट बॉक्स विच कमेंट करके सानूं जरूर दस्सो अते ज्यादा तों ज्यादा इस खबर नूं शेयर करो। देश दुनिया दी तमाम खबरां नाल जुड़े रहण लई सबसक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।